हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के लड्डू गोपाल की बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 4 नंबर के लड्डू गोपाल की बनाई है। इस ड्रेस में मैंने 4 कलर की ऊन काम में ली है। चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम ये 4 नंबर के गोपाल जी की पोशाक बनाएंगे। इस पोशाक को बनाने के लिए सबसे पहले हम 16 चैन बनाते हैं। हमने 16 चैन बना लिए। 16 चैन बनाने के बाद हम इसमें सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। इसके लिए हम इसमें एक चैन और बना लेते हैं। इसमें हम एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में इस तरह हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, बिना पीछे से धागा लिए हुए। सभी में एक एक हम सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह ही हमारे ऊपर गले की बॉर्डर बन जाती है। सभी चैन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना के ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमारा एक एक सिंगल क्रोशिया बन जाता है और ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमारी अब ये रो कंप्लीट हो जाती है। इस रो में हमने 16 चैन के अंदर 16 सिंगल क्रोशिया बना लिए और शुरू में एक चैन और बनाई थी, इस तरह हमारे 17 सिंगल क्रोशिया हो जाते हैं। अब सेकेंड रो के अंदर सभी चैन के अंदर हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसलिए शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं। 3 चैन, एक डबल क्रोशिया तो ये हो गया। अब एक और बना लेंगे इसमें। इस तरह हमारी एक चैन में दो डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम इस तरह सभी चैन के अंदर हम दो दो डबल क्रोशिया बना लेते हैं और इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो जाती है। इसमें हमारे कुल 34 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। 34 डबल क्रोशिया हो जाते हैं इसमें। अब हम तीसरी रो बनाएंगे। तीसरी रो के अंदर हमें शुरू में वही 3 डबल चैन बनानी है। 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद हम तीसरी रो के अंदर हमें कुल 40 डबल क्रोशिया चाहिए, इसलिए हम इसमें शुरू में 6 बना लें या 7 बना लेते हैं। तो एक तो बन गया। अब इस पहली चैन को छोड़ के दूसरी चैन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं, दूसरी में बना लेंगे। इस तरह हम ये 6 बना लेते हैं। 6 के बाद हम 7वीं के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। 4 तो हो गए हमारे, 5, 6 और ये 7। 7 के बाद हम 8वीं के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद हम तीन 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 बार तो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली में हमने एक ही बनाया, फिर 2, फिर ये 3। अब चौथी के अंदर हम वापस से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक और ये 2 डबल क्रोशिया। इस तरह हम इसमें 6 फंदे बना के कुल 40 डबल क्रोशिया कर लेते हैं और इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारी ये तीसरी रो भी कंप्लीट हो जाती है। इस रो में हमने कुल 40 फंदे कर लिए। शुरू में हमने 7 बनाए थे, आखिर में हमारे 6 फंदे बनेंगे। अब ये रो कंप्लीट होने के बाद हम इसमें चौथी रो बनाएंगे, उसके अंदर हम बाजू बनाएंगे। बाजू बनाने के लिए शुरू में हम 6 बनाएंगे, तो इसलिए शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं। 3 चैन बनने के बाद एक डबल क्रोशिया तो हो गया। पहली चैन को छोड़ के दूसरे में बनाएंगे,
छः बन गई। छः बनने के बाद हम इसमें अब आठ चैन छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नौवीं चैन में हम ये डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर पीछे हम 12 चैन बनाएंगे, तो एक तो बन गया, 11 और बना लेंगे, फिर 8 छोड़ देंगे, फिर दूसरी बाजू बना लेंगे, और अब इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारे दोनों बाजू बना लेते हैं। शुरू में हमने 6 बनाए थे, फिर 8 छोड़े थे, फिर 12 बनाए थे, फिर 8 छोड़े थे, फिर 6 बनाए थे। इस तरह हमारी ये दोनों बाजू निकल जाती है। अब अगली रो में हम सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और हमको लंबाई कम लगेगी तो हम एक डबल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। इस तरह हमारी ये चोली पूरी कर लेते हैं। शुरू में हम 3 चैन बनाएंगे, ये 3 चैन बनाएंगे, पहली चैन छोड़ के दूसरी चैन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगली रो में हम चाहे तो डबल क्रोशिया बना लेते हैं या हाफ डबल क्रोशिया बना के इस चोली को हम पूरा कर लेते हैं। अभी हमने एक सिंगल क्रोशिया और बना लिया है। अब हम इसमें एक लंबाई कम लगती है तो हम इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए शुरू में हम 2 चैन बनाते हैं। 2 चैन बनाने के बाद पहली चैन छोड़ के दूसरी चैन में 3 धागों का एक साथ एक कर देते हैं। सिंगल क्रोशिया में तो हम 2 का 1 करते हैं, इसमें 3ों एक साथ कर देते हैं। इस तरह हम ये रो भी अब कंप्लीट कर लेते हैं और चोली को अटैच कर लेंगे। बस इस तरह हमारी ये चोली है पूरी हो जाती है। अब इस चोली को दूसरे हिस्से से हम इस तरह स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। ये अब हमारी चोली बन गई। अब हम इसका घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए हम इसमें 3 चैन बनाएंगे। शुरू में 3 चैन बनाने के बाद हम हर चैन के अंदर, जैसे ये वाली चैन इसमें बना ली तो इसमें एक और बना लेंगे, तो एक में डबल क्रोशिया हो जाएगा, 2 डबल क्रोशिया। अगली के अंदर हमको 1 डबल क्रोशिया बनाना है। उससे अगली के अंदर हमको 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम पूरी रो को भी ये कंप्लीट कर लेंगे। देखो, एक के अंदर हमको 2 डबल क्रोशिया, एक मिसिंग 1 डबल क्रोशिया। इस तरह हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने घेरे की ये 5 लाइनें निकाल लेती हूँ। पहली लाइन में एक चैन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया, दूसरी लाइन में भी इसी तरह करते हैं, तीसरी लाइन में बीच में एक एक बार तो एक एक चैन में डबल क्रोशिया, और फिर तीसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया, चौथी चैन में भी इसी तरह करते हैं, और पांचवी चैन में हर चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया लेके हम इस घेरे को पूरा कर लेते हैं, और उसको यहाँ से अब हम बंद कर देते हैं। इस तरह हमारा ये घेरा इस तरह बन जाता है। और उसको हम बिछा के देख लेते हैं, जहाँ हमको लगे तो डबल क्रोशिया कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम नीले रंग की ऊन लेते हैं। नीले रंग की ऊन से हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं। इस तरह नोट लगा के नीले रंग की ऊन से शुरू में 3 चैन बनाते हैं। 1 2 और 3, 3 चैन बनाने के बाद हम सभी चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया पूरे रो में कर लेते हैं। सभी चैन में हमको एक एक डबल क्रोशिया करके पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं हम। इस तरह
तरह हमने नीले रंग की ऊन से सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया निकाल के रो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसे यहाँ से बंद कर देते हैं तीसरे नंबर के चैन में लेके, इसे इस तरह स्लिप चैन से इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अब हम इसमें दूसरा रंग लगाएंगे। अब इसमें हम ये इस तरह हम इसमें ये क्रोशिया ऑक्से से निकाल लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब इसमें सभी चैन के अंदर हमको शुरू में तीन चैन बनाएंगे हम, और सभी चैन के अंदर हम हर चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बनाना है हमको। तो एक तो बन गया हमारा, अगली में भी हमें एक तो बन गया, एक तो बना लिया हमने। इस तरह हम सभी चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बना के इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमको ये सभी चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बनाना है और इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सभी में हम दो दो डबल क्रोशिया बना के इसे भी यहाँ से बंद कर देते हैं। एक क्रोशिया बना के यहाँ से स्लिप चैन से इसे बंद कर देते हैं। अब हम एक कलर और लगाएंगे, ये मैंने तीसरा कलर ले लिया, इसे भी हम यहाँ से जोड़ लेते हैं। शुरू में हम एक चैन बनाते हैं और इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना देते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने जो दो बनाए थे इन दो के बीच में दो को एक साथ लेके अगली चैन के अंदर में सात डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात डबल क्रोशिया हो गए हमारे। सात डबल क्रोशिया होने के बाद अगले में ये दो का है इसमें अगले में दो जो है येलो कलर के इनको तो छोड़ देंगे, इसमें अगले में हर दो दो के बीच में यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर अगले में हमें वही सात डबल क्रोशिया बनाना है। अगले में हमें फिर वही एक सिंगल क्रोशिया बनाना है जो हमने दो दो येलो कलर बनाए थे
उन दो दो के बीच में, एक में तो हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक के अंदर हमें 60 डबल नोट बनानी है, फिर अगले में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले में हमें 60 डबल नोट, इस तरह ये रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने 7 बना लिए, अब ये एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया बना लिया था, तो बीच में हम एक और 7 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। सात डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पे हम इसको ले जाके सिंगल क्रोशे से बंद कर देते हैं। अब इसको हम ऊन को बाद में काटेंगे, क्योंकि बाद में जब हम फूल बनाएंगे इसके ऊपर, तो अगर हमारे इसमें फूल में पत्तियों में गड़बड़ होती है, तो एक दो हम कम ज़्यादा कर लेते हैं। कुछ ये इस तरह बनने के बाद ये इस तरह बन जाती है। अब इसमें वापस से हम नीला रंग जोड़ेंगे, जो हम कहीं से भी जोड़ लेते हैं, अगली पत्ती से यहाँ से जोड़ लेते हैं। यहाँ कोने से जोड़ना रहता है। अब सभी में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में बिना ऊन लिए हुए सिर्फ दो का एक करना है। सभी चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये 7 के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब जो हमने यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया लिया था बीच में, वहाँ पे इस तरह एक सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया बना देंगे। मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब अगले में हम वो वापस से ही एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह हम इसको बनाते हैं आगे। फिर मैंने ये दो के ऊपर मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। दो के ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये इसकी इस वाले की डबल क्रोशिया के नीचे की तरफ 3, 1, 2 और 3 छोड़ के जो हमारी चौथी लाइन है डबल क्रोशिया की, इस डबल क्रोशिया की सीध में चौथी लाइन के अंदर हम इस क्रोशिया को, इस चैन को इसमें डाल के इस तरह से इसमें निकाल के एक चैन बना लेते हैं। ऊपर से हम 3 छोड़ के 1, 2 और 3 छोड़ के चौथी लाइन में, चौथी लाइन के ऊपर वाली चैन में चैन को लाके इस तरह जोड़ देते हैं। अब आगे हम वापस से इसमें वही सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। शुरू में हमने 2 पे सिंगल क्रोशिया करके नीचे जोड़ दिया। अब हम आगे इसमें 4 भी सिंगल क्रोशिया करेंगे।
हमें चार में ना करके दो में ही करना है पहले, और फिर दो में करने के बाद उसको इस जगह से अटैच करेंगे। पहले हम दो में ही डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। अब हमने दो में और में सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब दो में सिंगल क्रोशिया करने के बाद जो हमने यहाँ पे अटैच किया था इधर की तरफ से दो, इधर भी दो और इधर भी दो, इस तरह इन दोनों को यहाँ से अटैच कर देंगे। उसी तरह इधर क्रोशिया को डाल के इसमें अपनी चैन को लेके तो ले जाके हम एक चैन बना देंगे, तो यहाँ से अटैच हो जाता है और इस तरह से फूल सा बन जाता है। अब हम आगे भी इसमें सभी में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब हमने ये चार ऊपर की पत्तियों को सिंगल क्रोशिया कर लिया है। चार पत्तियों को सिंगल क्रोशिया करने के बाद जो हमने यहाँ पे चार का एक फूल बनाया था उसमें पहली वाली पत्ती को छोड़ के दूसरी वाली पत्ती से इसको यहाँ से अटैच कर देते हैं। इस तरह क्रोशिया हुक को डाल के इसमें इसको निकाल के एक चैन बना देते हैं। ये कुछ इस तरह हो जाता है हमारा। अब आगे हम वापस से इनको सिंगल क्रोशिया करेंगे। सभी जगह हमको ऊपर सिंगल क्रोशिया और जो बीच में हमने एक सिंगल क्रोशिया किया था वहां पे हमको नीचे से येलो नीचे वाले से लेके ये हमको एक सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, नीचे वाले से लेके हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब आगे हम इसको बनाते हैं। अब हमने एक पत्ती पे सिंगल क्रोशिया और कर लिया। अब एक पत्ती पे सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमको पहले वाले फूल की तरह ही नीचे से तीन छोड़ के चौथी के अंदर से अटैच कर देना है। एक दो और ये तीन छोड़ के चौथी इसी रो में इसी के नीचे यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये हमने अटैच कर दिया। अब उसके बाद ये इसकी तरह अटैच हो गया। अब यहाँ पे हम दो पत्तियों को और सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। अब मैंने दो पत्तियों को और सिंगल क्रोशिया कर लिया। दो पत्तियों को सिंगल क्रोशिया करने के बाद इधर वाली यहाँ पे इस फूल से और नीचे जुड़ी हुई इस पत्ती से हम इसको यहाँ से अटैच कर देते हैं। ये हमारा अटैच हो गया। अब वापस से हम एक दो तीन और चार, चार पत्तियों को सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं और फिर इसको चार पत्तियों को सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये यहाँ से इस तरह अटैच हो जाता है। फिर ये ऊपर का फूल बन जाता है। इस तरह हम इस पूरे राउंड को कर लेंगे। इस तरह हमने चार पत्तियों को सिंगल क्रोशिया कर लिया। सिंगल क्रोशिया करने के बाद इस वाले फूल की इस वाली पत्ती से इसे यहाँ से अटैच कर देते हैं। उसी तरह इसमें से क्रोशियो में लेके एक चैन बना देते हैं। ये हमारी अटैच हो जाती है। अब इसी तरह हमको पूरा राउंड बनाना है। अब हम वापस से एक पत्ती को बनाएंगे, फिर उसको यहाँ नीचे से अटैच करेंगे, फिर हम वापस से हम एक पत्ती और बनाएंगे उसको यहाँ से अटैच। इस तरह करते हम पूरे राउंड को बना लेते हैं। इस तरह हमने ये पोशाक अब सारे फूल जोड़ लिए हैं इस तरह से। अब जोड़ने के बाद हम जब लास्ट में पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमको एक और एक दो तीन ये फूल के लिए चाहिएंगे। तो यहाँ पे हमारी अब दो पत्तियाँ कम पड़ रही हैं। अब दो पत्तियाँ कम पड़ रही हैं तो हम यहाँ पे दो तीन पत्तियाँ खोल के दो पत्तियाँ और बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ से ये दो तीन पत्तियाँ खोल देती हूँ मैं। मैंने यहाँ से दो तीन पत्तियाँ, अब हम यहाँ पे इनके बीच में भी एक एक पत्ती और बना के यहाँ पे पत्तियाँ पूरी कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने
दो ये एक्स्ट्रा पत्तियाँ और बना लिए, तीन चार पत्तियों को खोल के थोड़ा एडजस्ट करके दो पत्ती और बना ली। अब इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे। अब वापस से अपने इस कलर से हम बनाएंगे। यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया है। अब पहले हम एक पत्ती को डबल क्रोशिया कर लेते हैं। अभी हमने एक पत्ती को डबल क्रोशिया कर लिया। अब लास्ट वाला फूल बनाएंगे, वही हम नीचे से तीन छोड़ के चौथे में इसके सीधे की तरफ यहाँ से इस तरह हम लेके इस तरह से यहाँ से जोड़ देते हैं। अब वापस से हम एक पत्ती को बना लेते हैं डबल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं सभी पे। अब हमने एक पत्ती को सिंगल क्रोशिया बना लिया। जो हमने पहला फूल बनाया था इस वाली पत्ती को भी यहाँ से अटैच कर देंगे। अब हम एक पत्ती और बनाएंगे और उसको इस वाले फूल से अटैच कर देंगे। एक डबल क्रोशिया और बना लेते हैं हम एक पत्ती का। अब हमने एक पत्ती का और बना लिया है। अब इसको इस वाली पत्ती के इस वाली पत्ती को यहाँ से इस तरह अटैच कर देंगे ऊपर वाले फ्लावर से। हमारी बची हुई तीन पत्तियों को हम सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पे ले जाके इसको बंद करके उनको काट देते हैं। यहाँ से हम सभी तीनों पत्तियों को सिंगल क्रोशिया करके उनको काट देंगे। मैंने इस तरह ये पूरा कर दिया है। अब हम चोली की भी बॉर्डर बना लेते हैं, वही यहाँ से जोड़ के यहाँ से जोड़ लेते हैं हम। और फिर सभी में दो दो बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। दो बार बन गया। अगली अगली में डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोश दो बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं हम। इसे अगले में भी इसे अगले में भी दो सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे हम। अब हम जैसे कोने पे आते हैं तो कोने पे हम नीचे की तरफ तो दो सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, फिर एक या दो चैन। अगर छोटा बनता है तो एक चैन बना के हम ऊपर की तरफ एक सिंगल क्रोशिया और बना लेते हैं। इस तरह हमारा ये कोना बन जाता है। अब ऊपर गले के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, वापस इधर आके ऐसे ही बाजू भी वापस इधर आके कर लेंगे, ऐसे दोनों बाजू कर लेंगे और ये पूरा कर लेते हैं। अब हमने गले की और बाजू की बॉर्डर बना ली है। अभी हमारी पोशाक पूरी हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।